हे गाइस, वेलकम टू एग्जाम हंटर। सो दोस्तों, आपको बता दूं कि हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम लोग जो 67th बीपीएससी का प्रीलिम्स होने वाला है और साथ में ही जो सीडीपीओ होने वाला है उसके एमसीक्यू को लेकर, और ये पर डे 9 बजे रात को आएगा, संडे को छोड़ के। उसमें हम लोग क्या करेंगे कि एमसीक्यू कुछ क्वेश्चंस होंगे उसको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट बुक है उसको सिलेक्ट किए हैं, वहाँ से जो एमसीक्यू होगा उसको उठाएंगे और उसको प्रैक्टिस करेंगे। जिसमें से आपको पहले जो दो हम जो सिलेक्ट किए हैं वो हो गया आपका द बिहार का क्राउन, और सेकेंड हो गया आपका एक किरण की बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है, उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे एमसीक्यू दिए हुए हैं, उसको करेंगे। जिससे आपको क्या होगा कि जितने भी बेसिक एमसीक्यू है ना दोस्तों, सारे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 9 बजे आएगा, और इसका पीडीएफ चाहिए इस एमसीक्यू का, तो आप टेलीग्राम का जो लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है उसको आप ज्वाइन करें टेलीग्राम को, वहां पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा दोस्तों। और आपको बता दूं कि 67वां जो मेंस बीपीएससी होने वाला है उसका हम लोग ऑलरेडी मेंस का सिलेबस का टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, टेस्ट के थ्रू हम लोग सिलेबस कवर कर रहे हैं। तो अगर आप नए हैं तो उसको ज्वाइन करें और अपने सिलेबस को कवर करें। आइए दोस्तों, करते हैं एमसीक्यू। थैंक यू। हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम हंटर। सो क्वेश्चन ऑफ द डे इज, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, जिसमें हम बिहार स्पेशल एमसीक्यू कर रहे हैं, उसमें हिंदी में देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख पाल शासकों के बारे में जानकारी देता है। ऑप्शन आपका नीचे दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द पाला रूलर, ठीक है ना, जो पाल शासकों के बारे में जानकारी देता है। तो नीचे जो शिलालेख दिया हुआ है वो मुंगेर वाला शिलालेख दिया हुआ है, भागलपुर तांबे प्लेट का शिलालेख दिया हुआ है, और बांगर तांबे प्लेट शिलालेख दिया हुआ है। जो किसके बांगर तांबे प्लेट शिलालेख किसके बारे में जानकारी देता है, विग्रह पाल के बारे में, भागलपुर तांबे प्लेट नारायण पाल के बारे में, और मुंगेर का तांबे देवपाल के बारे में, ठीक है ना। तो इसमें से कौन सा सही है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी, उपरोक्त में से सही, ऑल ऑफ द अबव। मतलब जितने भी कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन यहाँ पर है ना, मुंगेर कॉपर प्लेट तो किसके बारे में जानकारी देता है, देवपाल के बारे में देता है। भागलपुर कॉपर प्लेट किसके बारे में देता है जानकारी, नारायण पाल के बारे में देता है। बांगर कॉपर प्लेट किसके बारे में जानकारी देता है, विग्रह पाल के बारे में जानकारी देता है, ठीक है। तो आई होप पहला क्लियर हो गया। सेकेंड देखो, द अर्लिएस्ट सोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ बिहार इज, ठीक है ना, बिहार के इतिहास का सबसे प्राचीन स्रोत क्या है, बिहार के इतिहास का सबसे प्राचीन स्रोत क्या है। आपका ऑप्शन है उपनिषद, अथर्ववेद, सामवेद, आर्यंकास, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, अथर्ववेद, ठीक है, अथर्ववेद होगा। अथर्ववेद में बिहार के इतिहास का सबसे प्राचीन स्रोत क्या है, अथर्ववेद है, ठीक है। अगर देखोगे दोस्तों तो दो सोर्स है, ठीक है ना, अगर वैदिक टेक्स्ट को देखोगे, वैदिक टेक्स्ट को देखोगे तो दो सोर्स है। एक तो हमने पढ़ लिया यहां पर अथर्ववेद, सेकेंड जो है वो पंच विमसा ब्राह्मणा, ठीक है, ये नाम दोनों याद रखना, अथर्ववेद पंच विमसा ब्राह्मणा, दोनों क्या है, दोनों में अगर देखोगे तो दोनों बताया है कि जो मगध के लोग जो होते थे ना, मगध में जो लोग रहते थे उनको ये लोग क्या बोलते थे, वर्त्या बोलते थे, ठीक है ना, VRATYAS, वर्त्या बोलते थे, ठीक है। तो अर्लीस्ट सोर्स किससे मिला है, अथर्ववेद से मिला है, पंच विमसा ब्राह्मणा से मिला है, दोनों क्या है, वैदिक टेक्स्ट है, ठीक है ना, लिटरेरी सोर्स है। इसमें पता लगा है कि बिहार के बारे में, ठीक है ना, और इसमें ये भी पता लगा है कि जो मगध वाले जो रीजन में जो लोग रहते थे ना उनको ये लोग वर्त्या बोलते थे, ठीक है। आई होप सेकेंड क्वेश्चन क्लियर हो गया। आइए थर्ड क्वेश्चन के पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन बिलोंग टू द मौर्या, निम्नलिखित में से दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से अभिलेख मौर्या का है, मौर्या जो थे उनसे बिलोंग करता है। सबसे पहला ऑप्शन है लौरिया अरेराज, बी ऑप्शन है लौरिया नंदनगढ़, सी है रामपुरवा, डी है ऑल ऑफ द अबव। तो अगर आपको थोड़ा भी बहुत बिहार का हिस्ट्री का नॉलेज होगा तो ये क्या होगा कि जितने भी सारे जो इंस्क्रिप्शन हैं वो कहाँ से, वो सब मौर्या से रिलेटेड थे, ठीक है, जो मौर्या किंगडम था उससे रिलेटेड थे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग महाजनपद इन बिहार, जो महाजनपद थे, ओवरऑल जो महाजनपद थे उसमें से जो बिहार में जो महाजनपद थे कौन से टेक्स्ट वो बताया है बिहार के महाजनपद के बारे में, ठीक है। मतलब
हिंदी में देखो तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ महाजनपदों के बारे में जानकारी प्रदान करता है? विनय पिटक, अंगुतारा निकाया, कल्पसूत्र, दीघा निकाया। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अंगुतारा निकाया। अंगुतारा निकाया क्या बताया है? महाजनपद के बारे में जानकारी दिया है, बिहार के जो महाजनपद थे। लेकिन दोस्तों इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जो दीघा निकाया है, इसके अलावा अगर देखोगे तो जो दीघा निकाया है और विनय पिटक है, ठीक है ना, दोनों भी जानकारी देता है किसके बारे में? मगध के बारे में। मगध जो एम्पायर था उसके बारे में जानकारी देता है, और जो वैशाली जो किंगडम रिपब्लिक था उसके बारे में, गणराज्य था उसके बारे में जानकारी देता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि महाजनपद, नाम नहीं पूछ रहा है। तो जो महाजनपद के बारे में कौन जानकारी दिया है? अंगुतारा निकाया, ठीक है ना। अगर स्पेशली पूछ दे कि मगध और वैशाली के बारे में कौन जानकारी दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा विनय पिटक और दीघा निकाया। ठीक है, आई होप फोर्थ क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। विच एस्पेक्ट हैज बीन कवर्ड बाई अर्थशास्त्र ऑफ कौटल्या, ठीक है ना। कौटल्या के जो अर्थशास्त्र है, सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पूछा जा सकता है कि कौटल्या का बुक का नाम क्या है, तो आप नाम याद कर ले, अर्थशास्त्र, ठीक है ना। उसमें क्वेश्चन है कि इस अर्थशास्त्र में क्या चीज के बारे में डिटेल डील किया गया है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें राजनीतिक के बारे में डील किया गया है। इसमें बताया है कि जो राजा है, जो प्रिंस है, उसको कैसे पावर में रहना है, कौन कौन से उसको नीति अपनाना चाहिए, ठीक है, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, तो 5th क्वेश्चन काफी आसान है, उसको आप कर सकते हो। तो ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 है कि जो पंचोभा तांबे का प्लेट शिलालेख है वो किससे बिलोंग करता है। आप यहाँ पर देखिए पीडीएफ में गलत लिखा गया है, इंग्लिश वाले में यहाँ पर होगा समग्र गुप्त। आपको जो पीडीएफ टेलीग्राम पर प्रोवाइड किया जाएगा वहां पर जाके आप देख लेना, वहां पर इसको चेक कर लेना, हिंदी में सही है। पंचाम्बा तांबे प्लेट शिलालेख किससे संबंधित है, ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, समग्र गुप्त। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि ये 13th सेंचुरी में इंस्क्रिप्शन, जो तांबे प्लेट जो शिलालेख है 13th सेंचुरी में बना था, और इसमें क्या दिया हुआ है दोस्तों, पॉलिटिकल जो राजनीतिक और ऐतिहासिक जो हिस्ट्री है, एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री है बिहार का, उसके बारे में बताया गया है। पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन जो है, प्रशासन उस जो बिहार का, उसके बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा समग्र गुप्त, ठीक है। 7वां देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 अगर देखो कि जो एक रीजन है, अस्पद रीजन है गया का, ठीक है ना, अस्वाद रीजन है, जो अस्वाद रीजन है गया का, वहां से एक विष्णु टेम्पल को खोद के निकाला गया, ठीक है ना, विष्णु टेम्पल को खोद के निकाला गया। और उसके दीवार पर जो दीवार है, जो ईंट की बनी है, उस दीवार पर कौन से इपिक को दर्शाया गया है, क्वेश्चन ये है, ठीक है। अगर हिंदी में देखो दोस्तों, तो जो गया जिले के अस्वाद से एक विष्णु की मंदिर की ईंट की दीवार की खुदाई द्वारा कौन से महाकाव्य कहानी को दर्शाया गया है, मतलब जो दीवार पर, जो दीवार है उस पर कौन से महाकाव्य कहानी को दर्शाया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, 7th का आंसर हो जाएगा रामायण, रामायण को दर्शाया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, एट विच प्लेस इन बिहार द रिमेन्स ऑफ मोन्यूमेंटल बिल्डिंग्स ऑफ फायर ब्रंट ब्रिक्स बिलोंगिंग टू द कुषाण पीरियड हैज बीन एग्जिबिटेड, ठीक है ना। हिंदी में देखो, बिहार से किस स्थान पर कुषाण काल की आग से जली ईंटों की स्मारकीय भवनों का अवशेष प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। जो भवन है वो किससे जला है, आग से जली हुई ईंटों का जो भवन है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है बिहार में, कुषाण काल का पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चिरांद, चिरांद से वो निकला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, जो बिहार में पाए गए अशोक शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं, ठीक है। द अशोक इंस्क्रिप्शन फाउंड इन बिहार वर रिटन इन विच स्क्रिप्ट, ठीक है। तो इसका आपको आंसर पता होगा, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ब्राह्मी, ठीक है ना, ब्राह्मी स्क्रिप्ट आंसर हो जाएगा सी। आपको पता होगा कि लिपि जो है वो ब्राह्मी है, लेकिन लैंग्वेज देखे कौन सा लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज हो जाएगा प्राकृत। ये दोनों आप याद रखना, जो बिहार में मिला है वो लिपि क्या है, ब्राह्मणी है, ठीक है ना, ब्राह्मी है, और लैंग्वेज क्या है, प्राकृत है।
अगर आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ मिला है, तो लौरिया अरेराज, लौरिया रंदनगढ़, नंदनगढ़ और रामपुरवा जो रीजन है वहां पर इसके बारे में मिला गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, नालंदा महाविहार की खुदाई किसने की थी? नालंदा के बरगांव में नालंदा महाविहार की खुदाई किसने की थी? हु एग्जीक्यूटेड द नालंदा विहार एट बरगांव इन नालंदा? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कंघिंगम। ठीक है ना, तो दोस्तों आज के लिए 10 क्वेश्चन, कल फिर हम लोग क्या करेंगे, 10 क्वेश्चन करेंगे। ऐसे करते करते क्या है, बिहार के पूरे जो बिहार स्पेशल जितने भी हिस्ट्री है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सारे काम एमसीक्यू कर लेंगे दोस्तों। तो इस चैनल को देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।